तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को लिए मैं वीडियो लेकर आ ही चुका हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ इस टाइप के डार्क एंड एक्वाटोन फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी लाइटरूम ऐप को यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस, आप लोग भी अगर इस एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की एडिटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को अपने फ़ोन में लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर अभी लाइटरूम ऐप को ओपन कर चुका हूँ। और लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऐड फोटोज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो कैसे सेलेक्ट करके ऐड करना है, जिस भी फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करना है, ठीक है। तो यह सब मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ये वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे आप लोग भी अपना फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा, और फोटो सिलेक्ट करने के बाद यह सब आप लोगों को सिंपली इस ऐड का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो को लाइट मैप के अंदर ऐड करना है। तो अभी गाइस, हमारा फोटो लाइट मैप के अंदर इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, मतलब हमारा फोटो लाइट मैप के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। और लाइट मैप के अंदर फोटो ऐड होने के बाद यह सब आप लोगों को इस ऑल फोटोज का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके आप लोग अपना फोटो कैसे ओपन कर लेने। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो, तो हम ऐसे भी इसे ओपन कर लेते हैं। ऐसे आप लोग भी अपना फोटो कैसे ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोटो हमारा ओपन हो चुका है लाइटरूम ऐप के अंदर, एंड यहाँ पर एडिटिंग के लिए भी ऑप्शन आ चुका है। तो इनमें से सबसे पहले आप लोगों को अभी चला जाना लाइट्स का ऑप्शन में, ठीक है, जो कि ये रहा लाइट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोजर का आप लोगों को माइनस करके 0.10 ईवी तक रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस साइड में एक बार क्लिक करना है, फिर यह माइनस हो जाएगा। और इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट्स को माइनस करके -8 के आसपास रख लेना है, और आप इसका शेडो की इधर आप लोगों को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को शेडो को इंक्रीज करके +46 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका व्हाइट्स को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर व्हाइट्स को आप लोगों को इंक्रीज करके +15 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ब्लैक्स की तरफ आप लोगों को माइनस करना है। तो यहाँ पर ब्लैक्स को माइनस करके आप लोगों को -38 के आसपास रख लेना है। लेकिन गाइस, ऐसे भी आप लोगों को चले जाना कलर्स का ऑप्शन में। तो गाइस, इधर पे कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले टीन को थोड़ा सा माइनस करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को टीन को माइनस करके -8 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेंस को इंक्रीज करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर वाइब्रेंस को आप लोगों को इंक्रीज करके +25 के आसपास रख लेना है। देन गाइस, ऐसे अभी आप लोगों को चला जाना मिक्स टूल में। तो गाइस, एरो पर मिक्स टूल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से चला जाना येलो कलर में। और येलो कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका ह्यू की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ह्यू को डिक्रीज करके -30 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और इसके सैचुरेशन की तरफ आप लोगों को फुली डिक्रीज करके -100 कर लेना है। देन गाइस, ऐसे भी आप लोगों को चले जाना ग्रीन कलर में। और ग्रीन कलर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बस आप लोगों को सैचुरेशन को ही माइनस करके -100 कर लेना है। देन गाइस, अभी आप लोगों को चले जाएंगे इधर से सीएन कलर में। और सीएन कलर में जाने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को सेम काम ही करना है ग्रीन कलर की तरह। तो यहाँ पर इसका भी सैचुरेशन का आप लोगों को माइनस करके -100 कर लेना है। देन गाइस, ऐसे अभी आप लोगों को चले जाने ब्लू कलर में। और ब्लू कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका ह्यू की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करना है। तो यहाँ पर इसका ह्यू को माइनस करके आप लोगों को -33 के आसपास रख लेना है। और आप इसका सैचुरेशन की तरफ आप लोगों को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन को इंक्रीज करके +74 के आसपास रख लेना है। देन गाइस, ऐसे भी आप लोगों को चले जाना पर्पल कलर में। और पर्पल कलर में जाने के बाद यहाँ पर बस आप लोगों को ह्यू को ही माइनस करके -100 कर लेना है। देन गाइस, अभी आप लोगों को अपना स्किन टोन को सही करने के लिए आप लोगों को लास्ट चला जाना है ऑरेंज कलर में। और ऑरेंज कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका सैचुरेशन को आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करना है, बस थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप लोगों को -8 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसका लूमिनस की तरफ आप लोगों को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर लूमिनस आप लोग अपने हिसाब से इंक्रीज कीजिएगा, मतलब जितना आप लोग अपना स्किन को ऊपर हाइट चाहते हो उतने यहाँ पर आप लोग लूमिनस को इंक्रीज करके रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसे इंक्रीज करके +48 के आसपास रख लेते हैं। देन गाइस, ऐसा आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोगों को सिंपली डन करना है। डन करने के बाद गाइस, ऐसे अभी आप लोगों को चला जाना कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस एरो का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसके शेडो टोन का ह्यू कमांड की तरफ आप लोगों को 202 तक रख लेना है, ठीक है। और अब इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो अब इसका सैचुरेशन को आप लोगों को इंक्रीज करके +21 के आसपास रख लेना है। नेक्स्ट, अभी आप लोगों को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा स्वाइप करना है, और स्वाइप करके यहाँ पर इसका लूमिनस की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करना है।
तो आप इसका लुमिनस को माइनस करके आप लोगों को -6 के आसपास रख लेने, ठीक है। और आप इसका ब्लेंडिंग की इधर आप लोगों को इंक्रीज करने, तो यहाँ पर ब्लेंडिंग को आप लोग इधर पे +68 के आसपास रख लेने। और आप इसका बैलेंस की इधर आप लोगों को माइनस करने, तो यहाँ पर बैलेंस को आप लोगों को -25 के आसपास रख लेने। देन गाइस ऐसा आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोगों को सिंपली डन करना है। डन करने के बाद गाइस ऐसे अभी आप लोगों को चले जाने इफेस्ट का ऑप्शन में, ठीक है। तो गाइस इधर पे इफेस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी को इंक्रीज करके +8 के आसपास रख लेना है। और आप इसके DH को भी इधर पर आप लोगों को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर DH को आप लोगों को इंक्रीज करके +13 के आसपास रख लेना है। और आप इसका भीगनेटो की इधर आप लोगों को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भीगनेटो को माइनस करके आप लोगों को -45 के आसपास रख लेना है। और आप इसका मिड पॉइंट को इधर आप लोगों को कम कर लेना है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट को इधर आप लोगों को 15 तक रख लेना है। और आप इसका फेदर को इधर आप लोगों को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फेदर को बढ़ा कर आप लोगों को +73 के आसपास रख लेना है। नेक्स्ट इधर से अभी आप लोगों को चले जाने डिटेल्स का ऑप्शन में, तो गाइस इधर पर डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर शार्पनिंग को इंक्रीज करके आप लोगों को +24 के आसपास रख लेना है, ताकि आप लोगों को फोटो के ऊपर थोड़ा शाइन आ सके। तो यहाँ पर इसे इंक्रीज करके आप लोगों को 24 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और आप इसका मास्किंग को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर मास्किंग को आप लोगों को +30 के आसपास रख लेना है। और आप इसका नॉइस रिडक्शन को भी आप लोगों को बढ़ा लेना है, ताकि आप लोगों को फोटो जो है वो यहाँ पर फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। तो इसे बढ़ा कर आप लोगों को 30 के आसपास रख लेना है। और आप इसके कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोगों को हल्के से इंक्रीज करना है, तो इसे इंक्रीज करके आप लोगों को 26 के आसपास रख लेना है। देन गाइस ऐसा आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर पर आप लोगों को फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो को कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को मैं थंबनेल पर दिखाया था। तो इसका बिफोर आफ्टर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। देख सकते हो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड काफ़ी ऑसम लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। और फोटो एडिटिंग करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फोटो को सेव कैसे करना है, तो फोटो को सेव करने के लिए यहाँ से आप लोगों को सिंपली शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को इस सेव टू डिवाइस का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे इधर पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आप लोगों का फोटो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जगह वैसे प्रीसेट को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो।